कहते हैं कि जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है ये प्यार, फिर भी होता है एक नहीं कई बार। ऐसा ही कुछ हुआ है अब बॉलीवुड की गॉर्जियस और सभी की चहेती करीना कपूर खान के साथ। करीना तो आज सैफ की वाइफ और पतौड़ी खानदान की बहू है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके दिल पर किसी और का ही राज था। जी हाँ, छोटे नवाब सैफ अली खान से शादी करने से पहले करीना का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा। कभी एक्ट्रेस किसी को अपना दिल दे बैठी तो कभी लिंकअप की खबरों ने ही बॉलीवुड का बाजार गर्म हो गया। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में बात करते हैं करीना कपूर के अफेयर्स के बारे में। बॉलीवुड में एंट्री के बाद सबसे पहले करीना का अफेयर ऋतिक रोशन के साथ था। ये तब हुआ जब करीना ऋतिक के साथ साल 2000 में कहो ना प्यार है की शूटिंग कर रही थी। हालांकि बाद में वो इस फिल्म से हट गई। कहा जाता है कि जिस वजह से ऋतिक और करीना के बीच दरार भी पड़ गई। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में 2001 में करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान दोनों का पुराना प्यार फिर जाग उठा, जिसके बाद दोनों राशि प्रोडक्शन की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए फिर से एक साथ आए। रिपोर्टेडली बेबो प्यार में इतनी पागल हो गई कि ऋतिक के लिए उन्होंने अपनी कलाई तक काट दी। लेकिन तब तक ऋतिक अपनी बचपन की दोस्त सुजैन खान से शादी कर चुके थे। बताया जाता है कि इसी वजह से इस फिल्म के बाद दोनों ने आज तक साथ में कोई भी फिल्म नहीं की है। वेल, ऋतिक की वजह से बेबो का दिल टूट ही गया था। अब उसी दौरान उन्होंने फिल्म फिदा साइन की और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना की नजदीकियां शाहिद कपूर के साथ बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों कई फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। आमतौर पर सेट पर काम करते करते फिल्म स्टार्स के बीच लव लपाटा हो जाता है, लेकिन वो मानते नहीं है और अपने रिलेशनशिप को जस्ट फ्रेंड का टैग दे देते हैं। हालांकि करीना और शाहिद थे दोनों बिंदास। दोनों ने सबके सामने मान लिया कि उनका अफेयर है। इंटरनेट पर शाहिद करीना की कई तस्वीरें मौजूद हैं। रिपोर्टेडली इनकी शादी की रूमर्स ने जोर पकड़ा था, लेकिन शाहिद और करीना का ब्रेकअप हो गया। साल 2007 में दोनों जब भी मेट की शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के दौरान पहले तो दोनों एक साथ एक गाड़ी में आते थे, लेकिन लास्ट डे अलग अलग गाड़ियों में आए, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। पर शाहिद से ब्रेकअप के बाद अब सवाल ये उठा कि करीना की जिंदगी में अब नया कौन। रिपोर्टेडली 3 साल तक डेट करने के बाद करीना और शाहिद तब अलग हो गए जब करीना की लाइफ में सैफ अली खान की परमानेंट एंट्री हुई। वही खबरें ये भी थी कि शाहिद की नजदीकियां विवाह फेम अमृता राव से बढ़ रही थी। बता दें कि साल 2007 में अक्टूबर में लैक्मे फैशन वीक में अचानक से करीना ने सैफ अली खान के साथ एंट्री मारी और उसी दिन सैफ अली खान ने ये कबूल भी किया कि हम दोनों साथ हैं और खुश हैं। सैफ उनसे 13 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन रिश्ता हुआ तो करीना ने मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। दोनों को नाम दिया गया सैफीना। सैफ ने उनके नाम का टैटू भी करवा रखा है। खैर, ये रिश्ता आगे बढ़ा, दोनों की शादी हुई, दोनों के 2 बेटे हैं और इन दिनों तैमूर और जे से बड़े कोई स्टार किड नहीं है। पर जिंदगी प्यार के अलावा खाली सी लगती है, इसलिए तो लाइफ में दोबारा प्यार होना भी एक मायने में सही ही है। वेल, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।